हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो क्लास फिफ्थ के लिए है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैथ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैथ पढ़ेंगे और क्लास फिफ्थ के लिए, ठीक है। देख लो इधर, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ या मैथमेटिक्स, चैप्टर फर्स्ट लार्ज नंबर्स, ठीक है। लार्ज नंबर्स माने बड़े नंबर्स, हम बड़े नंबर्स को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। अभी आप क्या करते थे कि सिक्स डिजिट तक के नंबर्स को आप पढ़ना अच्छे से जानते हो। फोर्थ स्टैंडर्ड तक में सिक्स डिजिट तक के नंबर रहते हैं और आप उनको पढ़ना अच्छे से जान चुके हो। अभी हम इसमें, इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम सिक्स से ज़्यादा डिजिट अगर आ जाएँ, सेवन एट या नाइन डिजिट आ जाएँ तो उनको पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट को समझ लेते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट, इससे आप फैमिलियर हो, इसको आप बनाते आए हो, पिछले क्लासेस में भी बनाया था। तो देखो क्या है, सबसे इधर सबसे राइट साइड में क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख। पर आप देखते होंगे कि जब आप यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर लेते हैं, तीन चीज़ें जब आप कर लेते हैं, उसके बाद थाउजेंड आ जाता है, फिर टेन थाउजेंड, फिर लाख, फिर टेन लाख, एक रिपीट, टेन की रिपीटेंस होती है। देखो थाउजेंड के बाद टेन थाउजेंड, फिर लाख आया तो टेन लाख, फिर करोड़ आएगा, टेन करोड़, है ना। तो इस तरीके से हम इसको पीरियड में बांट सकते हैं। ये जो शुरू से लेके तीसरा तक था, वंस, टेंस, हंड्रेड, इसको वंस का पीरियड बोलेंगे, और थाउजेंड, टेन थाउजेंड, दोनों में देखो थाउजेंड आ रहा है ना, तो इसको थाउजेंड्स का पीरियड बोल दोगे, और ये लाख, ये लाख, ये टेन लाख, दोनों में लाख आ रहा है तो इसको लाख का पीरियड बोलोगे, ठीक है। और अगर और भी ज़्यादा डिजिट हो तो हम आगे करोड़ में भी जाएंगे, पर अभी इतना ही देखते हैं। देखिए हमारी कितनी डिजिट कवर होंगी इसमें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सेवन डिजिट कवर कर लेंगे। अभी तक देखो हम सिक्स डिजिट कवर करते थे फोर्थ क्लास तक, लेकिन अब हम सेवन डिजिट कवर कर पाएंगे इस प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा। देखो कोई एक नंबर है, ये नंबर मैंने लिखा है, ये एग्जांपल है, एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, बताओ कितने डिजिट का है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट डिजिट का नंबर है ना। तो इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखोगे, जो सबसे किनारे पे है, सबसे राइट साइड पे, उसको वंस के नीचे, है ना, इधर किनारे पे, तो थ्री, सेवन को टेंस के नीचे, है ना, सेवन, फिर जीरो को हंड्रेड्स के नीचे, और एट को थाउजेंड्स के नीचे, एंड जीरो को टेन थाउजेंड के नीचे, सेवन को लाख के नीचे, नाइन को टेन लाख के नीचे। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या कहीं, ए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, हाँ, यहाँ ये हमारा सेवन डिजिट तक का प्लेस वैल्यू चार्ट बना है। अब चूंकि हमारा नंबर एट डिजिट का था, तो अब एक नंबर हमारा रह गया, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, सेवन डिजिट का ही बनाते हैं, मान लो ये नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में कुछ इस तरह रखेंगे। इस प्लेस वैल्यू चार्ट को आप ध्यान से देखो, इसमें तीन पीरियड आपको दिख रहे हैं, ये वंस का पीरियड है, ये थाउजेंड का पीरियड है, ये लाख का पीरियड है। तो पहला पीरियड थ्री डिजिट को कवर करता है और बाकी के सारे पीरियड टू टू डिजिट को कवर करेंगे, ये भी टू को, ये भी टू को, और आगे आने वाले भी टू को ही कवर करेंगे। तो जो कामा लगाते हैं ना, हम इधर से थ्री डिजिट पर कामा लगाते हैं। हमको जब न्यूमरेशन करना होता है तो कामाज लगाते हैं, नंबर को पढ़ना आसान हो जाता है कामा लगने के बाद, इधर से थ्री डिजिट पे, फिर बाकी दो दो डिजिट पे। तो देखो यहाँ से यहाँ, ये देखो सेवन और जीरो के बीच में, फिर अगला कामा यहाँ पे लगता अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होती। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अब आप नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना सीख जाओगे और पढ़ना भी इससे बड़ा आसान हो जाएगा। इस नंबर को आप पढ़ो, देखो ये टेन लाख पे है ना, तो इसको पूरे एक साथ बोलेंगे, कामा में है ना ये, इसको एक साथ बोलो, 97 है ना, तो 97 लाख, और ये एट है, एट थाउजेंड, और ये क्या हो जाएगा, 73, 73 वंस नहीं बोलेंगे कि ये। देखो आप क्या करते थे कि पीरियड का नाम बाद में बोलते थे, जैसे यहाँ पे 97 लाख बोलते थे, पर यहाँ पे पीरियड का नाम नहीं बोलना, यहाँ पर आपको सिंपल पढ़ देना है 73, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे साथ एक बार बोलो आप साहब, 97 लाख 8073, ओके। अब बच्चों हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे एक्सरसाइज के सवालों पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स इन ईच केस। यहाँ पर चार नंबर्स दिए हैं, अब वहाँ पे कोई एक नंबर होगा, कोई एक डिजिट होगा जिसके नीचे अंडरलाइन लगी होगी, और हमको उस अंडरलाइन नंबर का प्लेस वैल्यू लिखना है। देखो आप बच्चों, ये बुक सबके पास, ये बुक होगी, मैथमेटिक्स की बुक है, ठीक है। आप क्लास फिफ्थ की मैथमेटिक्स की बुक अपने सामने रखिए, और एक कापी, रफ कापी और पेन भी रखिए, उसमें एक्सरसाइज 1.1 जल्दी निकालिए, पेज नंबर 9 पर, एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 9 पर पहला क्वेश्चन है, आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे वीडियो देखने से नहीं समझ में आएगा।
तो क्या क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स इन ईच केस। तो पहला हमारा, तो पहला नंबर क्या है, पहला केस क्या है, 4 3 7 5 6 1 9 ये नंबर है, और इसमें अंडरलाइन किसके नीचे है, 5 के नीचे है ना। तो हमको इस नंबर में जो डिजिट 5 लिखी है इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या कैसे निकाला जाता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी, ऐसे 5 लिख दिया जाता है, फिर आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स है ना, तो वहाँ पे 30 ऐसे लगाओगे, क्योंकि ये 5 कहाँ पे है, ये 1000 की जगह पे, आप इधर से गिन के देखो, 1 10 100 1000, ये 5000 की जगह पे है ना, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5000। ओके ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लो, बी पार्ट, बी पार्ट में है 3 6 2 4 0 1 3 0। अब इसमें अंडरलाइन किस में है, 2 में, कौन से डिजिट के नीचे अंडरलाइन है, 2 के नीचे ना, तो अब इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, तो ऐसे लिख दोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू, आप ऐसे सिंपल 2 लिखो यहाँ पे, उसके बाद जितने भी आगे डिजिट आए सब की जगह पे 0 लिख दो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 0 लगा दोगे। ये हो गया क्या, इस नंबर पे 2 का प्लेस वैल्यू। ओके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड, सी 5 5 6 7 2 0 6 7 2 0 1 4 9, इसमें अंडरलाइन किसके नीचे है, जल्दी बोलो, आप भी बोलो, 5 के नीचे ना, ठीक है, तो क्या करोगे प्लेस वैल्यू आप 5 इज इक्वल टू, आपको सिंपल 5 लिखना है, और इस 5, ये वाला 5 नहीं जिसके नीचे अंडरलाइन है वो वाला 5, और उसके बाद जितने भी डिजिट आ रहे हों वहाँ पर 0 लगा देना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 लगा दो, ठीक है। अभी आप इसमें कामास भी लगा सकते हो, कामास कैसे लगाते हैं, ऐसे इधर से 3 पे फिर 2 पे, फिर इसमें ऐसे 3 पे फिर 2 पे फिर 2 पे, ठीक है। ये हो गया इन नंबर्स में ये अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसका डी पार्ट, इसको आप खुद से करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू क्या है, आप पढ़ो, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं हमको उनके नेम को राइट करना है, ठीक है, राइट करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। तो पहला जो नंबर है हमारा वो क्या है, ए पार्ट में क्या नंबर दिया है, कुछ ऐसा नंबर है 61, 98, 341, इसको क्या पढ़ोगे आप, इसमें देखो कामा पहले से ही लगे हैं, अब आपको इसमें देखना है कि कौन पोर्शन किसका है, कौन किसके पीरियड में है, यहाँ ये 1 10 100, ये 1000 10000, ये लाख 10 लाख, ये 10 लाख तक जा रही है, ये 7 डिजिट की नंबर है। ओके तो ये पीरियड वंस का है, ये पीरियड 1000 का है, और ये पीरियड लाख का है। अब आप सिंपल बोल दो, ये 61 लिखा है ना, तो 61,98,341, बड़ा आसान है, तो इसको क्या लिखोगे, 61,000, ये 61,98,341, अभी शायद मैंने 61,000 बोल दिया था, नहीं 61 लाख है ये, 61 लाख, और ये 98 90, सही लिखा है 98,341, छोटे क्लासेस को पढ़ा रहा, अभी ये क्या सही लिखा है ना, 60 लाख, ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर लिख दिया था, ये 61,98,341। ओके
अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट जो है वो नहीं करेंगे, उसे आप खुद से कर लेना, बहुत सिंपल है ना। अब हम सी पार्ट करते हैं इसका, इस क्वेश्चन का सी पार्ट। क्या नंबर है? 3, 2, 4 फिर 9, 9 फिर 8, 4, 1 ये नंबर है। इसमें कामाज लगे हैं, पढ़ना बड़ा आसान है। ये पोर्शन हमारा 1 का है, ये पोर्शन 1000 का, ये लाख का और ये करोड़ का। अभी हमने जो पेस वैल्यू चार्ट बनाया था उसमें हमने करोड़ मेंशन नहीं किया था, पर हमने आपको बता दिया था कि लाख के बाद करोड़ आएगा, करोड़ 10 करोड़। ओके, तो यहाँ पर ये लाख हो गया, ये करोड़ आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, इस नंबर को क्या लिख सकते हो? 3 करोड़। फिर ये क्या है, 24 लिखा है ना कामा के, दोनों कामास के बीच में, तो क्या लिखोगे? 24 क्या लाख। फिर 99 है ना, क्या 1000। फिर 841 बच्चों, 40 की स्पेलिंग यहाँ पे एफ ओ यू आर जल्दीबाजी में लिख जाता हूँ, आप भी ये गलती अगर आप करते हो तो 4 में एफ ओ यू आर होता है लेकिन 40 में एफ ओ यू आर नहीं होता, एफ ओ आर टी वाई होता है। ठीक है, 41। ओके, तो इस नंबर को एक बार फिर मेरे साथ आप पढ़ो, 3 करोड़ 24 लाख 99,841। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो सारे पार्ट हैं वो सब इसी टाइप के हैं। आपको नंबर का नेम लिखना है, ये बहुत सिंपल है, आप ये करते आए हो तो आप सारे पार्ट्स को खुद से करना, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट को आप खुद से करना। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखो लैंग्वेज लिखी है, क्वेश्चन का नाम लिखा है इस तरह में, अब आपको इससे इस इधर जाना है। ठीक है, इस तरह का नेम लिखा होगा और उसको आपको ऐसे नंबर्स में लिखना है, अगर आप कर सको तो कर लेना, और बाकी के जो नेक्स्ट बाकी के जो सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।